सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ टीवी एंकर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया तानिया आमिर ने पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए हैं कि अब तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। तानिया आमिर के वकील ने कहा है कि अदालत मोहलत दे तो कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूँ, अहम मामला है और चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो। वजूहत सामने आए उस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि अब तक तो बॉडी डीकम्पोज हो चुकी होगी। तानिया आमिर के वकील ने कहा है कि अदालत इजाजत दे तो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता बरस जून में इंतकाल कर गए थे। वो कराची में वाकई अपने रहायशगाह में मुर्दा पाए गए थे। उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।